आज के समय में भी बहुत सारे लोग कई गंभीर बीमारियों में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में तमाम तरह के रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। हम आपको ऐसी ही एक आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से आप शरीर के कई गंभीर रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं हरी मिर्च की, जिसका प्रयोग हमारे देश में हर घर में होता है। लोग इसका इस्तेमाल सब्जी, मसाले, दाल व खाने के रूम में ज़्यादा करते हैं, पर लोगों को इसके फायदे के बारे में नहीं पता। हरी मिर्च में पाए जाने वाले पोषक तत्व आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जिससे हमारे शरीर में होने वाले कई गंभीर बीमारियों से बचाती है। आयुर्वेद में हरी मिर्च का काफ़ी महत्व है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण से भरपूर होने के साथ ये हमें हार्ट, पेट की समस्या, एक्जिमा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, स्किन प्रॉब्लम संबंधित कई बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। वहीं जिला अस्पताल बाराबंकी के चिकित्सक डॉक्टर अमित वर्मा MD मेडिसिन ने बताया, हरी मिर्च में कई सारे औषधीय गुण मौजूद होते हैं, पर सबसे ज़्यादा इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे फैट को कम करता है, साथ ही साथ पेट की समस्या में जैसे गैस की प्रॉब्लम या खाना अपच की दिक्कत होती है, उस अवस्था में हरी मिर्च का सेवन करने से गैस की समस्या सही हो जाती है और भूख खुलकर लगती है और खाना अच्छे से पच जाता है। वहीं अगर किसी को स्किन एक्जिमा की प्रॉब्लम है, जैसे चेहरे पर दाग धब्बे व रेशे हो जाते हैं, तो हरी मिर्च का सेवन करने से काफ़ी फ़ायदा होता है और चेहरे पर निखार आता है। साथ ही साथ हार्ट की समस्या में इसके बीजों के इस्तेमाल करने से हार्ट की कैपेसिटी होती है, इसको मेंटेन रखता है। साथ ही साथ ये हमारे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। मेरा नाम डॉक्टर अमित वर्मा है, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ। ग्रीन चिली, हरी मिर्च का ज़्यादा सवाल किया आपने, तो हरी मिर्च में बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो खाने के बेसिकली जो हम लोग बात करें वो उनकी औषधि गुण पर बात करें, लेकिन इनको हम लोग खाने से इससे फायदा नहीं है। तो बेसिकली इसमें हरी मिर्च में कैप्सिकिन एक कंपाउंड होता है, एल्कलॉइड होता है, तो उस वो क्या करता है शरीर में जब इसको किसी खाने भोज पदार्थ के साथ लिया जाता है तो वो मेटाबॉलिज्म को पास करता है, हार्मोन को सिक्रेशन संजाइन को सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिसके वजह से मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। और मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से दो फायदे होते हैं शरीर में, एक तो ये क्या करता है फैट को, एक्स्ट्रा फैट को जो डिजॉल्व करता है, साथ ही साथ जो पेट से गैस की प्रॉब्लम हो रखी होती है, खाना अपच की दिक्कत हो रखी होती है, खाना नहीं होती, उस चीज़ की मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं, वो खुल के लगती है और खाना अच्छे से हजम नहीं होता है, गैस की और मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम काफ़ी तक खुल जाती है। साथ ही साथ जो कैप्सिकिन होता है, ये कंपाउंड ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में काम करता है, तो काफ़ी तरह से इसको डेली फूड में अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो काफ़ी नियंत्रण करने में सही रहता है। साथ ही साथ स्किन की जो डिजीज हो जाती है, जैसे एक्जिमा हो जाता है, रैशेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी अगर इसको हम लोग डेली यूज करते हैं तो काफ़ी तक वो कंट्रोल कर लेता है, अगर कोई फंगल या वैसा नहीं होता। साथ ही साथ इसमें कैप्सिकिन में एक और फायदा होता है कि ये क्या करता है, जो हार्ट की वेसल्स होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज होती है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको मेंटेन रखता है, जिस जो एथेरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है जिससे हार्डनिंग हो जाती है कोरोनरी वेसल्स की, तो वो उसको ही रिवर्ट कर देता है। अगर हम लोग डेली यूज करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल बनी रहती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज की समस्या नहीं आती है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, इससे हार्ट के स्ट्रोक्स वगैरह की जो समस्याएँ होती हैं तो काफ़ी हद तक नियंत्रित रहती है।